छिपाने के लिए, उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी एक जाति के बताया इनको, कभी बोलते ये एक ही राज्य से हैं, कभी कहते हैं एक ही अखाड़े से। ये बच्चे ना एक अखाड़े से हैं, ना एक जाति से हैं, ना एक धर्म से हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। भारत का नाम रोशन किया, भारत के लिए मेडल लाए। नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों और WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के बीच का मामला थमने का नाम नहीं ले रही। ये मामला प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब ऐसे में जंतर मंतर पर अलग अलग पार्टी के लोग महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट पर। फैसला लेगी सरकार से अपील करती हूँ कि उससे पहले सरकार उस आरोपी को गिरफ्तार करे। गिरफ्तार तो सरकार को करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन हमारी खापे पंचायतें जो फैसला लेंगी उससे पहले अगर सरकार फैसला ले लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, तो सरकार के लिए अच्छा होगा। लगातार 30 दिन हो गए अगर देखा जाए तो मांगों को लेकर कुछ उम्मीद आपको जगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जो है दर्ज हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है और जो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होना चाहिए था, आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, भारत सरकार को जागना होगा। भारत में प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपको विदेशों में घूमने का टाइम है, कभी आपको कर्नाटका में जाके चुनाव प्रचार करने का टाइम, लेकिन देश की बेटियां जिनको प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने परिवार की बेटी कहा था और भारत का गौरव कहा था, वो बेटियां आज 29 दिन से यहां पे बैठी हुई हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, खून के आंसू रो रही हैं। जिन बेटियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई, दूसरे देशों में जाके तिरंगे का मान बढ़ाया, वो बेटियां अपने मान सम्मान की लड़ाई यहाँ लड़ रही है, न्याय की भीख मांग रही है। और हमारी सरकार में बैठे लोग, मैं कहूंगी कि सबके सब से वो महिला नेता हूँ या कोई भी नेता हूँ, जो सरकार में आज बैठे हुए सबकी आत्मा मर चुकी है, उनका जमीर मर चुका है, उनको शर्म आनी चाहिए। देश की बेटियां यहाँ बैठी हुई, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि ये निष्पक्ष जांच कराएं? अगर आरोप सिद्ध होते तो उसको जेल में डालें। बेटियों ने यहाँ तक बोला कि नार्को टेस्ट कराया जाए जो शिकायत करता है उनका और जो आरोपी है उसका, तो जो आरोप सिद्ध होते हैं उसको जेल में डालो आप। लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रिजभूषण अध्यक्ष है वो बोल रहे हैं कि जो भी उनके मन में जो भी साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ वो सब मुंह के बल गिर रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? साजिश ये नहीं कर रहे, साजिश वो कर रहा है। अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए कभी एक जाति के बताया इनको, कभी बोलते ये एक ही राज्य से हैं, कभी कहते हैं एक ही अखाड़े से। ये बच्चे ना एक अखाड़े से हैं, ना एक जाति से हैं, ना एक धर्म से हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं। भारत का नाम रोशन किया, भारत के लिए मेडल लाए। तो खिलाड़ियों को आप धर्मों में बांटने की कोशिश ना करें अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। यहाँ देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ी होता है, पहलवान होता है, वो पूरे देश का होता है, और जो बलात्कारी होता है वो एक बलात्कारी होता है, उसकी ना कोई जाति होती बलात्कारी की, ना बलात्कारी का धर्म होता। हम जो अपराध करता है उसको सिर्फ अपराधी की नजर से देखते हैं, बलात्कार करने वाले को बलात्कार की नजर से देखते हैं। हम ना उसकी जाति को कुछ कहेंगे, ना उसके धर्म को कहेंगे, क्योंकि जो गुनाह किए हैं सजा उस इंसान को मिले, ना कि उसके समाज को या उसके धर्म को। ब्रिजभूषण ने कल ही लखनऊ में ऐसा कहा है कि जो कोई भी उन पे ये जो आरोप लगा रहा है वो सब गलत है, वो सब ऐसी फेक है, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो निर्दोष हैं तो डर किस बात का? अगर वो निर्दोष थे तो क्यों इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? अगर वो निर्दोष थे क्यों छोटे बच्चे के घर में अपने गुंडों को भेज रहे थे? अगर उनकी बातों से लगता है कहीं पे निर्दोष, वो बोल रहे हैं कि 15 रुपए में मेडल आते, शर्म आनी चाहिए ऐसे इंसान को जो सिर्फ सबसे ऊंचे पैसे में देखता। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर 15 रुपए में मेडल आ रहे तो मैं पूछना चाहती हूँ, ब्रिजभूषण तेरे घर में कितने ओलंपिक मेडल रखे हुए दिखाइए मीडिया को? अगर 15 रुपए में मेडल आता तो तेरे घर में कितने मेडल है? सबसे ज्यादा मेडल अगर पैसे में खरीदे जाते तो अडानी अंबानी के घर में मेडल रखने की जगह नहीं होती। मेडल कमाए जाते हैं और खून पसीना बहा के पूरा घर, पूरा परिवार, यहाँ तक कि लोगों के खेत बिक जाते हैं, तब जाके एक मेडल आता है, तब जाके एक पहलवान तैयार होता है। और जो मेडल की कीमत लगा के तुमने पहलवानों का अपमान किया है, मेडल कमाए हैं देश की शान बढ़ाने के लिए, तिरंगे की शान बढ़ाने के लिए, तो ना जैसे तिरंगे का कोई मोल नहीं होता वैसे ही मेडल का भी कोई मोल नहीं होता। मेडल कमाए जाते हैं, कमाए जाते हैं। तू जैसा इंसान जो पैसे का लालची है, जो औरतों को नोच नोच के खा रहा है, तू जैसे राक्षस को यह कभी समझ में नहीं आएगा। पूछना चाहती हूँ तेरे घर में कितने मेडल आए हैं ओलंपिक मेडल? ला के तो दिखाए, दम है तो तेरे अंदर।
साजिश किसको समझते हो आप, इस सबके पीछे का जो हाथ किसको समझते हो आप? मैं ये कहूंगी कि कहीं ना कहीं सरकार अगर चुप बैठी है एक महीने से, तो मैं सरकार को से पूछना चाहती हूँ कि आप चुप क्यों हो? पूछ रही हूँ, सुन लो ये भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ, सुन लो तुम भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ। वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, अपने परिवार की बेटी बोला, एक महीने से बैठी है जंतर मंतर के दरबार। सुन लो तुम भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ, क्यों दे रही अपराधी का साथ। देश सवाल करेगा प्रधानमंत्री जी, ये दो लाइन आपके लिए थी। देश आपसे सवाल करेगा, आज जब बेटियों का यह चीरहरण हो रहा था तो आप चुप क्यों थे, आप मौन क्यों थे, ये सवाल आपसे देश करेगा। और आपको आज नहीं तो कल इसका जवाब देना होगा। और गुनहगार को जितना भी जोर लगा ले सरकार, कितनी भी कोशिश कर ले बचाने की, उसने गुनाह किया है तो उसको सलाखों के पीछे जाने से कोई रोक नहीं सकता। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और महिला पहलवानों का समर्थन भी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर बताएं।